जामदग्नाय विद्महे रेणुका नंदनाय धीमहि तन्नोः परशुराम प्रचोदयात्। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म सारथी और आज हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत पर स्थित भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव पर। इंदौर शहर से 45 किलोमीटर एवं महू शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर मौजूद जानापाव का इतिहास देवताओं के समय का है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, जिनमें से एक महर्षि भृगु थे। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि जमदग्नि एवं माता रेणुका की चौथी संतान के रूप में भगवान परशुराम जी का जन्म जानापाव आश्रम में ही हुआ था। वेदों के अनुसार श्री परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार हैं। ऐसा बताया जाता है कि परशुराम जी के बचपन का नाम भार्गव राम था, लेकिन कैलाश पर्वत पर वेद अध्ययन, अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध की शिक्षा लेते हुए अथवा भगवान शंकर के द्वारा पिनाक धनुष एवं परशु प्रदान किए जाने पर उनका नाम परशुराम हुआ। 1924 के अंदर में पर्वतन विभाग वाले कुछ मशीन लेकर के और पत्थरों की जांच करके उनने 2000 वर्ष पुराना मंदिर शिव मंदिर बताया। बताया जाता है कि ऋषि ऋचिक द्वारा यहां अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, जिसमें आश्रम में ब्रह्म कुंड का निर्माण किया गया और इससे चंबल नदी का उद्गम हुआ। बताते हैं कि जानापाव आश्रम से चंबल सहित 7.5 नदियों का उद्गम हुआ था, जिसमें गंभीर, नखेड़ी, चोरल, कारम, सुमरा, मोरल इत्यादि मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरुनाथ के मंदिर पर स्थित कुंड पर भूत प्रेत ऊपरी शक्ति का इलाज होता है। सावित्री अमावस को यहाँ बहुत दूर दूर से जनता आती है, भूतों का मेला लगता है। इसमें प्रेत है, भूत है, चुड़ैल ने स्नान करने से और भैरों के मंदिर में जाकर पूजा अर्चन करने से उनकी बीमारी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा लाइला चर्म रोग के निवारण के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री परशुराम जी की माता रेणुका को दिव्य औषधियों का ज्ञान था और उनके द्वारा पर्वत पर अनेकों दुर्लभ जड़ी बूटियां लगाई गई थीं, जिनमें से बहुत सी जड़ी बूटियां आज भी मौजूद हैं। भले ही यहाँ आने वाले समस्त भक्तों की आस्थाएं अलग अलग हो, लेकिन अनुभूति सभी की समान होती है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जानापाव के दर्शन आप अवश्य करें और बहुत सारी जानकारियां आपको इस धर्म सारथी चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त होगी। धन्यवाद। ये मंदिर बनने के बाद में हमारा एक दूसरा मंदिर भोलेनाथ का बनेगा, वो भी सब जन सहयोग से हम करेंगे। यहाँ आने के लिए उचित मार्ग है, जिससे समस्त तरह के वाहनों को आश्रम पर लाया जा सकता है। जानापाव आश्रम के मुख्य गुरु का दायित्व श्री बद्रीनंद जी ब्रह्मचारी के पास है और उनके शिष्य श्री गोपालानंद जी ब्रह्मचारी इसमें उनका सहयोग करते हैं। ये पावन दिव्य भूमि है, सदियों से इस पे गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। वर्तमान समय में इस गुरु गादी पर श्री श्री 1008 श्री महंत बद्रीनंद ब्रह्मचारी जी महाराज विराजित हैं और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनकी सेवा का मौका मिला, इस गादी की परंपरा का सेवा का मौका मिला। मैं आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि एक बार इस पावन भूमि में सपरिवार दर्शनार्थ करने अवश्य पधारें। ओम नमो। आश्रम में
पर्यटकों के विश्राम हेतु एक धर्मशाला भी स्थित है और एक नवीन धर्मशाला का भी निर्माण किया जा रहा है। इस जन्मस्थली का जीर्णोद्धार 1998 से इसका प्रारंभ हुआ। जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था, एक पगडंडी थी, बहुत ही कठिन रास्ता था। सभी लोगों ने मिलकर के बीड़ा उठाया कि इसके जाना पाओ के जो मंदिर है ये विशाल रूप से बने और वर्तमान में लगभग 1.5 करोड़ का कार्य उस भगवान परशुराम जी के मंदिर के लिए हम लोगों ने किया है और इसमें सब समाज के लोग मदद भी कर रहे हैं और अपना आर्थिक अनुदान भी दे रहे हैं और वहाँ पर परिश्रम भी कर रहे हैं। तो सभी समाज के भगवान हैं भगवान परशुराम, उनको हम किसी एक समाज में नहीं बांध सकते। तो वहाँ पर एक रोपवे जो नीचे पंचमुखी हनुमान है वहाँ से जाना पाओ के लिए हो, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा भी हो और एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना पाओ विकसित हो। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है इस परशुराम जाना पाओ को और भी अच्छा विकसित और समृद्धशाली बनाए, यही मेरी आप सभी से विनती है। जय परशुराम। ये भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है, यहाँ कण कण में भगवान परशुराम जी बसते हैं। तो आइए हम सब मिलकर भगवान परशुराम जी को स्मरण कर उन्हें नमन करें। भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली सभी तीर्थों से पांव भर बड़ी मानी जाती है, इसीलिए इस जगह का नाम जाना पांव है।